अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज मैं गोश्त बना रही हूँ और बीमार आ रहे थे, और चावल बनाएंगे। हम जुम्मे वाले दिन चावल बनाते हैं और गोश्त भी बना रहे हैं। पहले मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। पहले प्याज फ्राई कर लेते हैं, बाद में वो लहसुन अदरक और मिर्ची वगैरह, वो मैंने उसका पेस्ट बनाया हुआ है, और टमाटर कटे हुए हैं, फिर बाद में वो डालूँगी। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर बाद में वो डालूँगी मसाले, जब बाद में वो सारे वो डालूँगी। सबसे पहले प्याज फ्राई करते हैं, थोड़ा ब्राउन होने का ना इंतज़ार करते हैं। ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें अदरक और लहसुन और टमाटर कटे हुए डालूंगी। थोड़ा कच्चा पानी इसका दूर हो जाएगा ना, फिर इसमें मसाले वगैरह सारे ऐड करूंगी, मिर्ची वगैरह अदरक पूरी अच्छी आ रही है। हल्दी डालेंगे, मसाला फ्राई हो रहा है माशाल्लाह। ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें वो बनाई अच्छी तरीके हो जाएगी, तो फिर गोश्त डाल दें, तो फिर उसको अच्छे तरीके भून के फिर उसमें पानी डालूँगी। ना प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, वो प्रेशर कुकर में ना सही नहीं बनता, हम ऐसे ही बना देते हैं। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी, मौसम ऐसे ठीक बना हुआ है, प्यारा बना, बादल भी आए हुए हैं, जुम्मे का दिन है ना इस वजह से। अब मैं बिरयानी बना रही हूँ, अब मैं बिरयानी बना रही हूँ, पहले बिरयानी गोश्त बनाया था। पता नहीं क्या मसला है, आज तो मेरी बार बार जबान भी नहीं कर रही है, और बिरयानी का नाम भी नहीं आ रहा था, मैं खुद भूल गई थी, कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने क्या करना है। तो अब मैंने नमक डालना है इसमें, नमक मैंने नहीं डाला था, तो अब मैं डाल नमक इसमें,
चम्मच नमक, हाँ जी, दो चम्मच नमक हमने डाला है, हाँ जी, मैंने पहले गोश्त धो के रख लिया था इसमें अच्छे अच्छे तरीके से, डालेंगे मैं गोश्त डालूंगी, ये देखिए इसका पानी एक तरफ अलग कर लूंगी, हवा भी कर लेंगे, मैंने भिगो के रखे हुए हैं आधे घंटे के लिए, चावल थोड़ा भीग जाएंगे, इसमें पानी डालेंगे और बाद में चावल डालेंगे, अच्छे तरीके ना साफ कर दिया था चावलों को, जब मैंने पहले सालन बनाया था अब वो गलने वाला है थोड़ी सी देर, तो ये हम चेक करते हैं, ये भी अच्छे तरीके से तैयार होने वाला है, ये भी हमारी बिरयानी भी पकने वाली है, अब मैं कहाँ तो ये बना के इसमें चावल डाले हैं, थोड़ी देर के लिए पक जाएंगे, फिर इसमें मैं नमक डालूंगी, थोड़ा नमक चेक करूंगी, और ये मेरा गोश्त भी तैयार हो रहा है, ये पहले बनाया था वो भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है, वो भी अच्छे तरीके से कर चुका है, और ये मेरी बिरयानी तैयार हो गई है, अब ये मेरी बिरयानी अच्छे तरीके से तैयार हो रही है और मैं इसे दम लगाती हूँ, हमारी बिरयानी हो गई है तैयार, अब मैं इसे चेक करती हूँ, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, हमारी बिरयानी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है, अब मैं सब घरों में देती हूँ, बिटवीन को बांटती हैं, जो भी मेहमान आए हुए हैं उनको भी देती हूँ, माशाल्लाह से हमारी बिरयानी तैयार हो गई, बांटने जा रही हूँ उनके कितनी को के घर में देनी है, देखती हूँ माशाल्लाह अच्छे से तरीके से तैयार हो गया,
ज़्यादा तरीक थोड़ी सी गर्म ज़्यादा है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना, फिर मैं देने जाती हूँ। तैयार हो गया है, थोड़ी सी देर है, तैयार होने वाला है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना फिर उतार लोगे। माशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो गया है मेरा पानी।